आज हम आ गए नेचर अवन की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ की बहुत बल्क क्वांटिटीज में पिज्जा बेसेस तैयार किए जाते हैं। सो चलिए चलते हैं, इसकी मेकिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हम 50 किलो की बोरी ओपन करने जा रहे हैं और फिर हम इसको कंटेनर में फिल करेंगे। हाँ, कंटेनर में डालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है ये बताइए। अब इसमें हम क्या मिक्स करने जा रहे हैं? अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी का क्या हिसाब है, पानी किस हिसाब से डाला? 50% पानी डालता है, 25 लीटर पानी पड़ेगा इसमें। 25 लीटर पानी पड़ेगा जी। एक लीटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें ऑयल मिलाया गया है। हमें जो पानी जो है ना, ये सारा आरओ का पानी होता है ये जी मैम। तो जितना भी यहाँ पे पानी यूज होता है ईट एंड ट्रीट में, वो सारा कुछ आरओ का पानी यूज होता है। वाह, आप लोग साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। हमारी मजबूरी है क्योंकि खाने पीने आइटम है ये, और इसको खुद हम लोग भी खाते हैं इसको। तो हमें चाहिए कि हमें बिल्कुल साफ सुथरा खाना मिले, साफ सुथरा चीज मिले, अच्छी चीज भी हम मिले, इसलिए मैडम। तो आप भी यहाँ के प्रोडक्ट्स खाते हैं, घर लेके जाते हैं? हाँ, हमारे घर ही जाते हैं। यही जाते हैं? अरे वाह, जाते हैं। तो मुझे एक बार बताइए किसमें तेल क्यों डाला है? तेल में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें फिटाई अच्छा होता है और दो को मैदा को बहुत अच्छा तरीके से भून के वो चमक लाते हैं जी जी, सॉफ्टनेस भी होती है जी, जो पिज्जा भी हमारा सॉफ्ट है, अच्छा लगे, टेस्टी लगे खाने में। बता सकते हैं आपकी ये क्या डालने जा रहे हैं? ये ईस्ट, बेकरी ईस्ट, इससे जैसे मैदा को फुलाते हैं, बन जो बनते हैं ना उसको। तो 50 kg जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारा वीट है, उसमें हम कितना ये यूज करेंगे? 1 kg। 1 kg जी। बिल्कुल पाउडर जैसा होता है ईस्ट, जिसे कहते हैं कि ब्रेड्स और बेकरी प्रोडक्ट्स को वो फुलाता है और अच्छा टेक्सचर देता है। तो वाह यार, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। धीरे धीरे आटा, जिसे मैदा कहेंगे, वो बहुत ही अच्छे से घुल रहा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन है जो कि बहुत अच्छे से इसे मिला रही है। और जो दिखने में लग रहा है, वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। चीनी इसमें देखा जाता है, गाला कि नहीं गाला है। ये दो तैयार हो चुका है हमारा, 10 मिनट 4 सेकंड में। अब इसको हम निकालने जाएंगे, ये दो हम पिज्जा बेस इसका बनाएंगे। तो इसको आपको देखने का कि तैयार हुआ है नहीं, उसका तरीका यही है कि इसको चेक किया जाता है, मतलब चीनी इसमें हाइट नहीं, गला है सही से नहीं, यही देखा जाता है। डो हमारा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया और अब रेडी हो गया। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है? पिज्जा बेस इसका बनाएंगे मैम, 2 मिनट ये और चलेगा, 2 मिनट बाद इसको निकाल के फिर पिज्जा बेस बनाएंगे इसका। इनके बिल्कुल रेडी है। तो अब अगला प्रोसेस क्या है? तो ना गोली बन रही है और फिर इसको बनाएंगे पिज्जा। हाँ, बेस बनाएंगे फिर इसके मशीन में। तो अब इसकी गोलियां बनाई जा रही हैं और देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा स्पीड से बनाई जा रही हैं। तो ये जो डो है, इसकी कितनी गोलियां बन जाएंगी मैडम? 50 किलो मैदे बनते हैं, 300 पैकेट। 300 पैकेट? पैकेट। 8 इंच पिज्जा बना रहे हैं हम जी, जिसका कटर और वो साचा वहाँ रखा हुआ है, उससे हम काटेंगे इसको। तो क्या स्पीड है इस मशीन की मैम? 1 घंटे में 600 पीस पिज्जा बेल के निकाल देते हैं। ये लिया मैंने गोली और ये मशीन को इसे डाला। इसमें दो तरह का बेलन है, ये थोड़ा मोटा करता है, फिर ये पूरा लेयर करके निकाल देते हैं। बेलन दो तरीके हैं, यहाँ मोटा होता है और ये पतले हैं, सेटिंग भी होता है मोटा पतला का। बहुत अच्छा मशीन है ये, मैं अपना कहीं देखा था मशीन, खुद मैं अपने ऑर्डर से जाकर बनवाया था। मेरे इसलिए में 10 साल हो गए मैं। तो रोटियां बिल के हमारी रेडी हो गई, अब हम क्या कर रहे हैं? अब इसको हम इस पर काटा इसलिए मारते हैं ताकि बेस फूले नहीं। अच्छा। जी, इसके मारने के बाद बेस फूलता नहीं है और फटता नहीं है, इससे और कटर है, इससे फिर हम काट रहे हैं। ये हमारा कट के तैयार हो रहा है, ये 8 इंची पिज्जा बेस है। इसको हम इस पत्ते में डालते हैं और पत्ते में डाल कर फिर हम उस ट्रोली में लगाते हैं। तो पत्ते में डाल के पिज्जा बेस है, 8 इंच पिज्जा बेस। तो मतलब भैया की स्पीड देखिए, स्पीड बहुत अच्छी स्पीड से कर रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि इनको ट्रे में रखा जाता है और अब इन ट्रे को हम रखेंगे अवन में। तो यहाँ पे दो रॉड लगी हुई हैं जिसमें कि पानी खोलता है और स्टीम निकलती है। तो ये है पूरा का पूरा स्टीम रूम जिसमें कि ब्रेड को फुलाया जाता है। तो इसे 8 मिनट के लिए रख दिया है। 8 मिनट में क्या पिज्जा बेस पूरे बन के रेडी हो जाएंगे? ठीक है,
ठीक है, ये अपने आप अलार्म दे देगा और हमारे पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ 8 मिनट के प्रोसेस के बाद क्या इसमें किसी और चीज़ का टाइम लगता है, लाइक इनको ड्राई करना होता है, कुछ और करना होता है ना? ठंडा करना पड़ता है, इनको ठंडा करना पड़ता है, पैक होता है, फिर उसके बाद पैकिंग होती है। ओके, तो मुझे एक रॉ आइडिया दे दीजिए कि एक बार में यहाँ पे कितना पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो जाती है। हमारे पास यहाँ पे मॉर्निंग में जो शिफ्ट स्टार्ट होती है 8 बजे, उसके बाद हमारे 4 घंटे के अंदर हमारा 1000 पीस पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो जाता है। 1000 पीस? हाँ जी मैम। तो टोटल डे का जो कंजम्पशन है वो 1000 पीस है? नहीं, ये सिर्फ 4 घंटे का है। ये सिर्फ 4 घंटे का है। उसके बाद जो हमारा जम्बो ब्रेड बनता है, सैंडविच ब्रेड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 3 घंटे चाहिए होते हैं बनने के लिए। तो टाइमिंग कुछ उसके लिए निकालते हैं, कुछ इस वैरायटी के लिए निकालते हैं। तो इस तरह से लाइक ये मतलब पूरा मैनेज करना पड़ता है हमें, ऑर्डर के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, क्योंकि ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ 4 डेज है। तो हम आ गए ईट एंड ट्रीट में। मेकिंग देख ली, बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। चलिए मिलते हैं यहाँ के ओनर से एंड इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन सेठी है। अमन सेठी है। सो ईट एंड ट्रीट की क्या कहानी है, कैसे फाउंडेशन का स्टार्ट किया गया? मैम, एक ड्रीम था मेरे को मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आने का, वो भी बेकरी में। बचपन से हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उनका भी प्रोसेसिंग यही रहा है कि नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो मेरे शुरू से यही बना था कि मैं भी किसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाऊँ आगे। तो बेकरी का नहीं था बिल्कुल भी, बेकरी का स्टार्ट किया। अच्छा, इसलिए बेकरी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि यार इतना मज़ेदार प्रोसेस है, इतने अच्छे तरीके से हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप सप्लाई करते हो, तो क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे मेंटेन करते हो? हम क्वालिटी और क्वांटिटी सब टाइमिंग के ऊपर रहती है। मेन हमारे जो रेसिपी के अंदर जो इंग्रेडिएंट डलते हैं सब उसी का कमाल है। कोई ये नहीं है सब मार्केट में अवेलेबल है कि मेरे कोई हम मेरे जैसे बाजार में ये मेरे स्पेशल मसाले तैयार किए हैं मैंने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक बार फूड प्रोडक्ट्स बता सकते हैं आपके पास क्या क्या बनता है? हमारे पास पिज्जा बेस बनता है 3 साइजेस में, 6 इंचेस, 8 इंचेस, 12 इंचेस, बर्गर बन, पाव, कुलचा और बॉम्बे वड़ा पाव। लोकेशन है सेक्टर 6, नोएडा, D55। मेरे ब्रांड का नाम है नेचर ओवन, कंपनी का नाम है ईट एंड ट्रीट फूड प्रोडक्ट्स। मुझे यहाँ पे ईट एंड ट्रीट पे आके सच में बहुत अच्छा लगा, ओनर से मिलके बहुत अच्छा लगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।